आज मैं आप सभी को इस वीडियो में डिजिटल शोरूम एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं कि आप लोग डिजिटल शोरूम एप्लीकेशन से कैसे पैसा कमा सकते हैं, और साथ ही इस एप्लीकेशन में आप लोग को साइन अप के तौर में अप टू 10 रुपये मिलेगा, और आप लोग अगर एक रेफर करेंगे तो आप लोग को इसमें 10-10 रुपये कर मिलेगा। तो समझ सकते हैं कि डिजिटल शोरूम में अभी आप लोग को पैसे कमाने का बहुत अच्छा मौका है। और इस एप्लीकेशन का सबसे खास बात है कि यह आप लोग को बैंक अकाउंट में पैसा देता है और यह आपको इंस्टेंट पैसा देता है। इसके लिए आप लोग को कहीं पे भी वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 1 मिनट 2 मिनट, बस आपको 1 सेकंड के अंदर आपके पेटीएम के बैंक अकाउंट में पैसा दे देता है, या आप लोग जो भी बैंक अकाउंट लिंक करेंगे। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में डिजिटल शोरूम एप्लीकेशन के बारे में ए टू जेड जानकारी बताने वाला हूं। इसमें आप लोग को रेफ़र कैसे करना है, रेफ़र बाईपास कैसे करना है, इन सभी के बारे में। अगर आप लोग को भी जानना है डिजिटल शोरूम से अगर आप लोग को पैसे कमाना है तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को मेरे वीडियो के नीचे में लिंक मिलेगा, सिंपल आप लोग उस लिंक पे टैप कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, और जब आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। चलिए मैं एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ। जब आप लोग पहली बार के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। डिजिटल शोरूम यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट नाउ का। सिंपली आपको यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर टैप करना है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है इंटर व्हाट्सएप नंबर, तो सिर्फ यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देकर ओटीपी देकर आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना। चले मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर नंबर वेरीफाई हो चुका है ओटीपी के साथ। चले मैं यहाँ पे आप लोग को अब यहाँ पे इंटर यो दुकान का नाम एंटर करना है, या आपको यहाँ पे अपना कोई भी नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। चले मैं यहाँ पे दुकान का नाम स्टोर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ नवीन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नवीन। तो आप लोग यहाँ पे अपना दुकान का नाम या आपको जो मन हो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट वाले बटन पे टैप करना है। उसके यहाँ पे आप लोग को योर लोकेशन का ऑप्शन आएगा, सिंपली आप लोग को योर लोकेशन पे टैप करना है, और यहाँ पे आप लोग को सिंपल आप लोग को यहाँ पर एक मतलब एड्रेस दे देना। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस दे देता हूँ, जो भी मेरा यहाँ पर एड्रेस है। तो चलिए मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले बटन पे टैप करना है, और नेक्स्ट बटन पे टैप करने के बाद आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा ऐड बैंक अकाउंट का। सिंपली आप लोग को पेमेंट लेने के लिए, आप लोग को यहाँ पर कैशबैक लेने के लिए आप लोग को यहाँ पर अपना मतलब बैंक अकाउंट मतलब लिंक करना पड़ेगा आपको। सिंपली आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड। चलिए मैं आप लोग को बैंक अकाउंट को बाद में लिंक करके दिखाता हूँ कि आप लोग यहाँ पे कैसे बैंक अकाउंट लिंक करेंगे। उससे पहले आप लोग को यहाँ पर ऐड योर प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे सिंपली ऐड योर प्रोडक्ट करना है, और यहाँ पे आप लोग को कोई भी सामान यहाँ पे लिंक करना है, कोई भी सामान। तो मैं यहाँ पे एक सामान ट्राइपॉड को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लिंक। यहाँ पे आप लोग को दे देना जो भी आप लोग का यहाँ पे प्राइस लगे आपको वो दे देना है। और यहाँ पे अब आप लोग को यहाँ पे अपलोड इमेज पे जाना है, और अपलोड इमेज पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देखिए आपको फ़ोटो दिख जाएगा, तो मैं यहाँ पे चलिए एक फ़ोटो करते हैं। यहाँ पे आपको अलाउ बोला जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको फ़ोटो का इमेज आ चुका है, ऊपर में आपको एरे वाले निशान पे टैप कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर इमेज अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आपको सेव दिस प्रोडक्ट पे आपको टैप कर देना है। जैसे ही आप लोग सेव दिस प्रोडक्ट पे टैप करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग को स्क्रैच कार्ड मिल चुका है। अभी आप लोग को यहाँ पर क्लेम रिवार्ड नहीं करना है, यहाँ पर आप लोग को कट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ, एडिट माय बिजनेस डिटेल। सिंपली आपको इस पे जाना है, और इस पे जाने के बाद सिंपली आपको ऊपर में देखिए ऑप्शन मिल रहा होगा
गेट मनी इन योर बैंक अकाउंट। आपको यहाँ पर ऊपर में सर्च कर लेना पेटीएम, पेटीएम सर्च करने के बाद यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन आ जाएगा पेटीएम बैंक का, तो सिंपली आपको इस पे टैप करना है और यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, फिर से आपको अकाउंट नंबर और यहाँ पे आप लोग को IFSC कोड एंटर करना है। चले मैं यहाँ पर इतना सारा फिल करके यहाँ पे सिंपली आपको नेक्स्ट वाले बटन पे टैप करना है। इस वीडियो का आधा पार्ट मैं एक सप्ताह के बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसके लिए आप सभी से सॉरी। जब आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पे टैप करेंगे, अपना अकाउंट नंबर फिल करके, IFSC कोड फिल करके, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे एडिट माई, यहाँ पे आप लोग प्रोफाइल में आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। बैंक नेम आप लोग का यहाँ पे लिंक हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि अगर आप लोग यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक लिंक करेंगे तो इसमें आप लोग को फेल होने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर आप लोग के पास कोई और बैंक है तो आप लोग उसे लिंक करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं आप लोग को दिखाने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक को लिंक किया हूँ। चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ सिंपली मैं बैक, और बैक करने के बाद अब मैं जाता हूँ आप सभी के लिए, मैं यहाँ पर माई रिवार्ड वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे एक सप्ताह में बहुत सारे चीज़ में चेंजेस हुआ है, बदलाव हुआ है। और मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे स्क्रैच कार्ड उपलब्ध हो चुके हैं, लेकिन मैं बता दूं कि यह आप लोग के पास इतने सारे स्क्रैच कार्ड उपलब्ध नहीं रहेंगे, आपके पास बस एक स्क्रैच कार्ड रहेगा जो कि आप लोग जब अकाउंट बनाएंगे। तो मेरे पास इतने सारे स्क्रैच कार्ड आए कहाँ से, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। चले मैं करता हूँ बैक, यहाँ पे एक आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेफर दिस ऐप, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन में पैसे कमाने का एक और तरीका है, रेफर करके पैसे आप लोग यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। आप लोग यहां पर एक रेफर करेंगे तो आप लोग को 10 रुपये मिलेगा। यहां पे आप लोग को रेफर नाउ का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको इस पे टैप करना है। जैसे ही इस पे टैप करेंगे आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का अलाव मांगेगा, और उसके बाद आप लोग को यहां पर आपका व्हाट्सअप ओपन होगा। उसके बाद यहां पे आप लोग को कोई भी एक नंबर पे या कोई भी दोस्त को आपको यहां पे सेंड करना है। जैसे ही सेंड करेंगे तो आपको सामने कुछ इस प्रकार का लिंक जाएगा, जैसे ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का लिंक आ चुका है। और इस एप्लीकेशन का खास बात है कि इसमें आप लोगों को कोई भी रेफर कोड का टेंशन और कोई भी झंझट नहीं होता है, इसमें सिर्फ आप लोग का लिंक जाता है। चलिए अब मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करके दिखाता हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आता है या नहीं आता है। उसके लिए मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ मैं अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में। यहाँ पे आप लोग, मैं अपना वॉलेट दिखा देता हूँ, मैं अपना बैंक अकाउंट, और आप लोग यहाँ पर जैसे ही बैंक लिंक करेंगे तो आप लोग के सामने 1 रुपये रिसीव हो जाएगा। जैसे ही आप लोग देख सकते हैं मैंने इस बैंक को लिंक किया, मुझे 1 रुपया रिसीव हुआ। चले मैं आप लोग के सामने एक स्क्रैच कार्ड को मैं स्क्रैच कर लेता हूँ। जैसे ही आप लोग यहाँ पर एक स्क्रैच करेंगे, मैंने आप लोग को वीडियो के शुरू में बोला था कि आप लोग को अप टू 10 रुपये का मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे देखिए 6 रुपये मिल चुका है। चलिए मैं अब करता हूँ अपने एक सेकंड के अंदर चलता हूँ अपने पेटीएम में। पेटीएम में जाने के बाद मैं कर लेता हूँ एक बार रिफ्रेश। जैसे ही आप लोग रिफ्रेश करेंगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पे डॉट पे प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से 6 रुपये रिसीव हुआ है, और मैंने बैंक अकाउंट लिंक किया तो मुझे 1 रुपये रिसीव हुआ। अब मैं चलिए एक और स्क्रैच कार्ड को मैं स्क्रैच कर लेता हूँ जो कि आप लोग को बिल्कुल भरोसा हो जाए कि आप लोग को एक रेफर का 10 रुपये मिलेगा। सिंपली मैं करता हूँ इस पर टैप, और इस पर जैसे ही आप लोग टैप करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 10 रुपये मिल चुका है जो कि मैंने ए वाला स्क्रैच कार्ड रेफर करके मैंने अर्न किया है। चलिए मैं चलता हूँ बैक और चल के पेटीएम में दिखा देता हूँ फिर से एक बार। मैं करता हूँ रिफ्रेश, जैसे मैं करूँगा रिफ्रेश तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 18 रुपये हो चुका है, और मुझे यहाँ पे देखिए भाई 10 रुपये रिसीव हो चुका है। आई होप कि आप लोग को इस एप्लीकेशन का सारे प्रॉब्लम का सलूशन हो चुका होगा और आप लोग को समझ में आ चुका होगा। यह जो एप्लीकेशन है डिजिटल शोरूम एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं, और आप लोग को इसमें आप लोग को जैसे बैंक अकाउंट लिंक करेंगे आप लोग को अप टू 10-11 रुपये मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे जैसे मैंने इस एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट लिंक किया तो मुझे यहाँ पे 7 रुपये का फ़ायदा हुआ, 6 रुपये स्क्रैच कार्ड से और 1 रुपये मेरे यहाँ पे बैंक लिंक करने का मिला।
और ₹7 आप लोग को मिलेगा, और आप लोग यहाँ पे जितना ज़्यादा रेफर करेंगे उतना ज़्यादा कमाई होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते इसी अच्छे वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।